हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं सीएससी डीजीपी का एटीएम कमीशन के बारे में। जो हमें कल हमने 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन इसमें हमें कमीशन कोई नहीं आया है। देखिए, आप लोगों के सामने हम डीजीपी जो है यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। देखिए, हमारा डीजीपी जो है इसमें लॉग इन है, इसमें पासबुक पे आप जाके आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ट्रांजेक्शन किया था आपका। देखिए, हमने ट्रांजेक्शन किया था इसमें 5,000 रुपये का। देखिए, जो ट्रांजेक्शन है ये हमारा एटीएम से किया गया है। एटीएम से ट्रांजेक्शन करने पे यहाँ पे हमें, देखिए, उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन का कमीशन नहीं आया है। उसके पहले हमारा कमीशन जो आया था, ये देखिए, 61 रुपये 52 पैसे इसमें कमीशन आए थे। उसमें 3 रुपये 8 पैसे जो हमारे जीएस कट गए थे। उसके बाद मैंने कैश विड्रॉल किया था एटीएम से, और जो कि एटीएम से हमें 1 रुपये इसका कमीशन नहीं आया है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कोई भी कमीशन यहाँ पर आया नहीं है। हमने ट्रांजेक्शन कितने किए हैं, आज हमने ट्रांजेक्शन जो किए हैं वो ट्रांजेक्शन के कल कमीशन आएंगे, लेकिन इसका कमीशन कोई भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमारा, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। जो ए है, देखिए, ये हमारा एपीएस नहीं है, ये हमारा जो क्रेडिट हुआ है इस अकाउंट में, हमारे सीसी डीजीपी के वॉलेट में 5,000 रुपये का जो है हमने ट्रांस कैश वो एटीएम से किया था हमने। देखिए यहाँ पे, देखिए, कार्ड कस्टमर इतना है जो है, देखिए इसका दिखा रहा है हमारा। आप दो लोग देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसको, इसकी जानकारी के लिए आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके इसका पता कर सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप डीजीपी का एटीएम यूज करने से पहले एक बार अवश्य सोचें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।